गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व एन अनदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू सिंपल ट्रस। और ये वाली जो प्रॉब्लम है आपकी, जो सामने आपको डायग्राम दिख रहा है ट्रस का, इस डायग्राम में हम बाय मेथड ऑफ जॉइंट जो है हम फोर्सेस का कैलकुलेशन करेंगे। जितने भी मेंबर्स हैं ट्रस में उस सारे मेंबर्स के अलाउंग, ठीक, तो सारे मेंबर्स के अलांग कैलकुलेशन करेंगे फोर्सेस का। तो ये तो बहुत क्लियर बात है कि या तो वो टेंशन आएगा या तो कंप्रेशन आएगा। टेंशन या कंप्रेशन, इन्हीं दो चीज़ में से कोई एक चीज़ आनी है, ये तय है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रस का जो ओवरऑल सिस्टम है इसको एज अ फ्री बॉडी कंसिडर करेंगे। ओके, तो फ्री बॉडी कंसीडर करेंगे, तो इस फ्री बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए हम सिग्मा एच और सिग्मा वी जीरो करेंगे, सिग्मा एच और सिग्मा वी जीरो करेंगे। तो उसके बाद हमको एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब सपोर्ट ए पे रिएक्शन फोर्स मिल सकता है और सपोर्ट जी पे रिएक्शन फोर्स मिल सकता है। और जी पॉइंट के अबाउट हम क्या कर लेंगे, सारे फोर्सेस का मोमेंट करके जीरो के बराबर कर लेंगे, ठीक, जीरो के बराबर कर लेंगे। जी पॉइंट के अबाउट मोमेंट इसलिए जीरो के बराबर करेंगे क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्शन लग रहे हैं। अब देखते हैं, तो सबसे पहले तो हमको ये चीज़ क्लियर दिख रहा है कि बाई सेमेट्री जो है, अगर हम रिएक्शन फोर्स की बात करें तो ए पॉइंट पे सपोर्ट ए पे रिएक्शन और सपोर्ट जी पे रिएक्शन दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये आप देख रहे होंगे, ये एक सिमेट्रिसिटी का केस है, ठीक है। सिमेट्रिक पार्ट आपको दिख रहे होंगे, अगर आप यहाँ पे कट करें, यहाँ पे बीचों बीच आप कट करें तो आपको दिखेगा कि ये जो है इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक सिमेट्रिसिटी शो हो रही है, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी शो होने की वजह से ए पे रिएक्शन और जी पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अगर हम कहें कि टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पी अमाउंट का लग रहा है, तो ड्यू टू सिमेट्रिसिटी ए पॉइंट पे पी का हाफ अमाउंट लगेगा और जी पॉइंट पे पी का हाफ अमाउंट लगेगा, जो कि 0.5 पी के बराबर होगा। और ये आर ए इक्वल टू आर जी इक्वल टू 0.5 पी हो जाएगा, ठीक है। अब हम चूँकि मेथड ऑफ जॉइंट का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मेथड ऑफ जॉइंट का मतलब भी यही होता है कि आपको हर एक जॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करते हुए आप फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए आप हर जॉइंट पे क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, ये पक्की बात है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ही यही होता है कि जो फोर्सेस लग रहे हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या जो मोमेंट लग रहा है किसी पॉइंट के अबाउट, उसका अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये हमको बहुत अच्छे से पता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पॉइंट डी को पकड़ते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर से नीचे हम आएंगे पॉइंट डी। तो पॉइंट डी पर अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लगाएं तो जितने भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं उसका एलजेब्रिक सम कर लेते हैं और उसको जीरो के बराबर कर लेते हैं, ठीक, जीरो के बराबर कर लेते हैं। और फिर देखते हैं कि डी पॉइंट पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो सी डी मेंबर के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है और एक डी ई मेंबर के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है, ठीक है। और हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि हम किसी भी पॉइंट पे जो फोर्स लेंगे हमेशा टेंशन नेचर में लेंगे, पॉइंट से दूर की ओर लेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि पॉइंट डी से जो मेंबर है सी डी और डी के अलावा जो फोर्स लग रहा है, इसको जो हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इफेक्ट दे रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इफेक्ट दे रहा है, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में इफेक्ट देखेंगे और उसका सम क्या कर लेंगे, उसका इफेक्ट क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो एफ सी डी कॉस 60 इज इक्वल टू एफ डी ई कॉस 60,
कॉस 60 से कॉस 60 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डी के बराबर आ जाएगी। तो मतलब ये कह रहा है कि पॉइंट डी पर जो फोर्स है सी डी के अलॉन्ग और डी के अलॉन्ग, ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। इक्वल इन मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड इसलिए बोल रहा है क्योंकि डायरेक्शन इसका अलग अलग हो सकता है, तो हो सकता है कि ये टेंशन हो जाए, हो सकता है ये कंप्रेशन हो जाए, या तो हो सकता है कि ये टेंशन हो जाए, और या तो ये हो सकता है ये कंप्रेशन हो जाए। तो केवल मैग्नीट्यूड बराबर कह सकते हैं, डायरेक्शन बराबर नहीं कह सकते। अब हम क्या करेंगे, सारे वर्टिकल फोर्सेस का रिडक्शन जीरो कर लेंगे, तो एफ सी डी साइन 60 प्लस एफ डी साइन 60 इज इक्वल टू पी। देखते हैं जॉइंट डी पर, जॉइंट डी पर वर्टिकल डायरेक्शन में जितने फोर्स हैं उसका एल्जेब्रिक सम जीरो कर लो, तो उसका साइन कंपोनेंट वाला जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एफ डी मिल जाएगा 0.5774 पी, और ये कैसे नेचर में आएगा, कंप्रेशन में आएगा, ठीक। तो इस तरीके से एफ सी डी क्या आ जाएगा, 0.5774 पी इन कंप्रेशन। तो पॉइंट डी पर तो हम जॉइंट मेथड लगा के, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं, डी से आगे बढ़ते हैं, डी से आगे बढ़ते देखते कौन सा पॉइंट आ रहा है, ठीक है। डी से आगे ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हमको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पॉइंट सी पर आते हैं। पॉइंट सी पर आओ, तो पॉइंट सी पर एफ बी सी की वैल्यू एफ सी डी के बराबर है। एफ बी सी की वैल्यू कितनी है, एफ सी डी के बराबर है। तो देख लेते हैं एफ बी सी और एफ सी डी, तो ये एफ बी सी जो है ये एफ सी डी के बराबर है। अब ये बताओ पॉइंट सी पर अगर हम बात करें, तो पॉइंट सी पर जब ये बी सी वाली वैल्यू अगर ये वाली वैल्यू की अगर हम बात करें फोर्स की, और इस फोर्स सी डी मेम्बर के अलावा जो फोर्स है दोनों बराबर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस वैल्यू, ये वैल्यू पता चल गई। तो अब इस जॉइंट में केवल दो फोर्स अननोन है, तो हम दो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के हम दो अननोन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जॉइंट मेथड हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे दो फोर्सेस अननोन होते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा फोर्सेस ना हो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कम पड़ जाए और केस जो है वहाँ पे इनडिटर्मिनेंसी का आ जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हमेशा नंबर ऑफ अननोन दो लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम पॉइंट सी से डी पे हो गया, सी से हमको वैल्यू मिल गई एफ सी और एफ सी एफ की वैल्यू मिल गई, ठीक। अब जॉइंट ई पर आते हैं, जॉइंट ई पर एफ ई एफ की वैल्यू एफ डी के बराबर है, एफ ई एफ की वैल्यू एफ डी के बराबर है। बी हो गया, सी हो गया, जॉइंट ई, तो जॉइंट ई पर हम आए, तो एफ सी एफ की वैल्यू, एफ सी एफ की वैल्यू जो है एफ डी के बराबर है। एफ ई एफ की वैल्यू एफ डी के बराबर है, ठीक है, एफ ई एफ की वैल्यू हम कर लेते हैं एफ डी के बराबर। एफ ई एफ की वैल्यू जो है एफ डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये वैल्यू हमको पता चल गई, तो अब इस वाले पॉइंट पर भी हमारे पास एक अननोन रह गया, तो इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इजीली इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको एफ ई एफ की वैल्यू मिल गई 0.5774 पी कंप्रेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं एट पॉइंट ए, तो एट पॉइंट ए एफ ए बी की वैल्यू आर ए के बराबर होगी, एफ ए बी की वैल्यू आर ए के बराबर, एफ ए बी की वैल्यू
आर ए के बराबर। तो एफ ए वी की वैल्यू, ए वी के अलावा जो फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इस रोलर सपोर्ट पे जो रिएक्शन मिल रहा है हमको इस वैल्यू के बराबर होगी। तो एफ ए वी की वैल्यू एफ आर ए के बराबर होगी। और एफ ए बी की वैल्यू 0.5 पी है कंप्रेशन में, तो एफ ए एच क्या हो जाएगा, जीरो। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट जी की ओर। तो पॉइंट जी यहाँ पे है, तो पॉइंट जी पे अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पे देखोगे तुम कि रिएक्शन फोर्स तुमको पता ही है। अब इस मेंबर के अलॉन्ग फोर्स कंसीडर करना और इस मतलब निकालना और इस मेंबर के अलॉन्ग फोर्स निकालना है, तो दो फोर्सेस अननोन है, दो कंडीशन वहाँ पे बनेगी, तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं एट पॉइंट जी पर मेंबर के अलॉन्ग फोर्सेस। तो एफ एफ जी जो है आर जी के क्या हो जाएगा, बराबर। तो एफ एफ जी की वैल्यू हमको पता है 0.5 पी ओ, तो एफ जी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब पॉइंट एच पे आ जाओ, तो एफ एफ एच की वैल्यू है, बी एच की वैल्यू ये क्या है, जीरो। देन पॉइंट बी पर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओ, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो हो जाएगा जीरो। और एफ बी एफ की वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी सी के कॉस कंपोनेंट के बराबर, एफ बी सी कॉस 60। तो एफ बी एफ इज इक्वल टू 0.5774 पी कॉस 60। तो एफ बी एफ की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 0.2887 पी इन टेंशन। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे हम समराइज़ करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस में एक चीज़ तुम देख रहे होगे, समराइज़ करने क्या मतलब होता है, समराइज़ तुम डायग्रामेटिकली भी कर सकते हो, ठीक है, डायग्राम बना के समराइज़ कर सकते हो। तो तुमने एक ट्रस का डायग्राम बनाया, ट्रस का डायग्राम बनाने के बाद देखिए तुम, यहाँ पे पी फोर्स लग रहा था, तो ड्यू टू सिमेट्रिसिटी इस पी का आधा आधा वैल्यू जो है बट गया ए और जी पर। यहाँ पे 0.577 पी फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 0.577 पी फोर्स लग रहा है, ठीक। फिर से यहाँ पे यही फोर्स लग रहा है, टेंशन कंप्रेशन का खेल है, तो टेंशन कंप्रेशन अपना वहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पे ये वैल्यू लग रही है, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द फोर्सेस इन द मेंबर्स ऑफ द रूफ ट्रस एज शोन इन फिगर। तो ये कोई रूफ ट्रस दिया हुआ है जिसका एक सपोर्ट ये वाला कैसा है, ये सपोर्ट कैसा है, रोलर। तो रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट का मतलब नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1, ठीक। नंबर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा, तो एक रिएक्शन यहाँ पे लगा दो आर ए, ये क्या हो जाएगा आर ए, ठीक। उसके बाद ये हिन सपोर्ट है, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस 2 हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक। नाउ सी, अब यहाँ पे देखो कि सबसे ज़्यादा अननोन कौन से पॉइंट पे है, डी पॉइंट पे है कि ए पॉइंट पे है। तो सबसे ज़्यादा अननोन जो है वो पॉइंट डी पर है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते लगाते पूरी बॉडी के लिए, होल बॉडी के लिए, होल ट्रस के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएं, तो सबसे ज़्यादा अननोन जब पॉइंट डी पर है, तो उसी पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट लेके जीरो के बराबर कर दें तो हमको कुछ प्रॉफिट हो सकता है। तो देखते हैं, तो मोमेंट ले लिया हमने सिग्मा एम डी इज इक्वल टू जीरो, तो सिग्मा एम डी जीरो कर लिए, तो
ये डिस्टेंस हमने मान लिया ये और ये डिस्टेंस हमने मान लिया एक्स और एक्स, ये एक्स है और ये एक्स है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा 2x। ठीक, तो 2x इंटू आर ए किसके बराबर हो जाएगा 450x, और आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 225 न्यूटन। चार सौ पचास बटा दो ये कितना आ जाएगा 225 न्यूटन।